अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी जेड इक्वल टू साइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें सी एफ निकालना होगा। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को जीरो पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी जेड इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको हम लीनियर फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर फैक्टराइज बनाने के लिए हमें चाहिए डी माइनस अल्फा डी डैश सॉरी एम डी डैश प्लस माइनस अल्फा, इस फॉर्म में बनना चाहिए। लेकिन इस फॉर्म में बनता वो नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है। तो इस तरह से फॉर्म बन जाता है तो हमारे पास सिंपली हम इसको लीनियर फॉर्म में बदल के और उसका सी एफ निकाल लेंगे जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। बट अगर हमारे पास नहीं निकल रहा तो हम क्या करते हैं, लेट जेड बराबर ए इंटू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इज सी एफ। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये है इसका सी एफ, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां से डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई डॉट एच, यानी यहाँ पे एच का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, आगे कर दिया मैं एच का मल्टीप्लाई। अब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला, सॉरी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि यहाँ के लिए हमारे हमें चाहिए। तो यहाँ से हम अगर करा तो इसका डिफ्रेंशिएट करें हम तो ये हो जाएगा ए और एच, ये तो कॉन्स्टेंट है दोनों। इसका किया तो ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई डॉट के, तो इस के को मैंने यहां आगे पुट कर लिया, ये हो गया। अब हमें चाहिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर ए इंटू दी पावर एच के एच एक्स प्लस के वाई, यानी इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये टर्म हमारे पास आ चुकी है तो अब यहां से इस इन टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन से पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है ये हो गया ये एच, क्योंकि ये हमें कॉमन ले रहा है, हमें कॉमन लेना है ए ले रहा है कॉमन ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो ये हमें पहले लिख लेते हैं ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, क्योंकि ये हर किसी में स्टूडेंट कॉमन आ जाएगा यहाँ पे हम रखेंगे। तो हर किसी में हर टर्म में से ये टर्म जो ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई हर टर्म में से कॉमन आ रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच आ रहा है और यहाँ पे भी एक एच आ रहा है, तो ये एच भी कॉमन आ जाएगा। ये हो गया। अब इनको छोड़ के जो टर्म अंदर जो बच्चे हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चा है, इसमें बच्चा है, डी स्क्वायर की जगह देखें तो डी स्क्वायर की जगह यहाँ पे देखें तो हमारे पास एच बचा है, इसके अलावा सिर्फ एच बचा है। उसके बाद माइनस डी डी डैश में देखें, यानी इसमें देखें माइनस का साइन, और इस टर्म में देखें तो इस टर्म में हमारे पास ए चला गया, एच चला गया, के बचा है। और इस टर्म में देखें तो इस टर्म में एच चला गया, ए चला गया, पूरा ये कॉमन चला गया। तो इस कंडीशन में यहाँ माइनस टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया एच माइनस के माइनस टू इक्वल टू जीरो, या एच इक्वल टू के प्लस टू। तो एच इक्वल टू के प्लस टू, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यहां से हम ये पुट कर सकते हैं, यहां से इसका सी एफ जो होगा वो हम लिख सकते हैं सी एफ समेशन ऑफ ए टू दी पावर एच एच से के प्लस टू पुट करें तो ये हो गया के प्लस टू एक्स प्लस के वाई। तो ये इसका सी एफ आ गया। अब हमें इसका पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने के लिए फिर सिंपली जो हमने पहले फॉर्म पढ़े थे उसी फॉर्म से पी आई निकल जाएगा, क्योंकि जब इनमें हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं बन रहा, लीनियर फैक्टर नहीं बन रहा है, इसका ये इंप्लाई करता है कि ये जो फंक्शन है कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो बनने के केस में तो हमारे पास लीनियर फैक्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा था उसमें लीनियर फैक्टर के केस में अगर ये कहीं पे ये जीरो बन रहा होता है तो अगर लीनियर फैक्टर एक बन रहा होता वो लीनियर फैक्टर जीरो होता जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास वन अपॉन ये हुए डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी, और ये हुआ साइन थ्री एक्स प्लस
फोर वाई। अपने हमारे पास यहाँ पे दो सिस्टम है, दो ऑप्शन है सोल्व करने के। या तो हम इसको e टू द पावर 3x प्लस 4y का इमेजिनरी पार्ट ले लें, या फिर यहीं से हम कर दे डायरेक्ट साइन वाले फॉर्मूले से। तो साइन वाले फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो साइन वाले फॉर्मूले जो क्या वो क्या करता है, एफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश का स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में, और यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो तो उस कंडीशन में ये हमारे पास आ जाता है वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन चेंज हो जाता है, और ये हो जाता है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी वाई। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, थ्री की जगह यहाँ डी स्क्वायर की जगह थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर आगे नाइन बट माइनस में रखना है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस नाइन माइनस डी डॉट डी डैश यानी माइनस डी डॉट डी डैश, यहाँ पे माइनस ए भी पुट करना है, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व बट माइनस का पुट करना है तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस ट्वेल्व और माइनस टू डी, ये हो गया। और यहाँ पे हमने छोड़ दिया साइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई, तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसको देखें तो ये हो गया वन अपॉन माइनस कॉमन ले लिया हम, जाए यहां से माइनस कॉमन ले लिया हमें तो ये हो जाएगा हमारे पास टू डी माइनस थ्री साइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ये हो गया। अब टू डी माइनस थ्री जो है यहाँ इसको हटाने के लिए टू डी प्लस थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई और टू डी थ्री प्लस थ्री का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो गया वन अपॉन सॉरी वन अप माइनस का है माइनस टू डी प्लस थ्री, तो ये हो गया हमारे पास फोर डी स्क्वायर माइनस नाइन, जब टू डी प्लस थ्री का मल्टीप्लाई किया तो साइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई। फिर से हमने वही फॉर्मूला लगा दिया जो हमने यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था उसकी हेल्प से हो जाएगा माइनस टू डी प्लस थ्री साइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ये हो गया। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन तो माइनस थर्टी सिक्स माइनस नाइन ये हो जाएगा फोर्टी फाइव, तो माइनस है फोर्टी फाइव और माइनस माइनस है ये माइनस भी हट जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब ये टर्म आ चुकी है, अब इसका टर्म इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन फोर्टी फाइव बाहर ये हो गया टू, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो गया हमारे पास सिक्स कोस थ्री एक्स प्लस फोर वाई, एंड जब इसका हम करेंगे तो इसका जाएगा कोस थ्री एक्स प्लस फोर वाई इंटू थ्री, और इसका टू से मल्टीप्लाई होकर ये सिक्स हो जाएगा प्लस थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई। अब यहां से अगर हम थ्री कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वन अपॉन फिफ्टीन, क्योंकि थ्री कॉमन लेके इसको काट देंगे तो वन अपॉन फिफ्टीन टू कॉस थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस साइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई, तो ये हो गया इसका सी एफ सॉरी पी आई। अब कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, यानी यहां से समेशन ऑफ ए टू दी पावर के प्लस टू एक्स प्लस के वाई और प्लस जो पी आई की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहां से अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है ओनली व्हाट्सएप करना है, और मेल आई डी पर आप मेल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।